हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वीडियोस ऑन कर लो। यस, वीडियोस ऑन नहीं हुए हैं। वीडियोस ऑन करो जल्दी। क्या हो रहा है? किसी के भी ऑन नहीं है वीडियो? चलो, होमवर्क मैंने दिया था, एक्सरसाइज 13.2 तक। उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं? किया है या नहीं किया है? सर किया है। हाँ हो गए थे क्या सर। सारे? हो गए थे, मतलब मैक्सिमम हो गए थे? यस सर। चल ठीक है, डाउट्स पूछ फिर। कौन से हैं? सर 13 पॉइंट फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन। ओके, 13.1। जिसने नहीं किया है उसके लिए ये एग्जाम्पल की तरह हो सकते हैं, तो वापस ट्राई करने हैं दोनों एक्सरसाइजेस जिसने नहीं करी हैं, ठीक है? और जिसने करी हैं वो वापस मुझे बता भी सकता है कि यहाँ पे ऐसे होगा। सो फोर्थ क्वेश्चन, एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। क्यूबिकल ब्लॉक है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव? क्या हो सकता है डायमीटर? ये अपने पास क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है? इस पे हेमिस्फेयर है, तो अभी मैं ऐसा छोटा बना रहा हूं हेमिस्फेयर। दिस इज द हेमिस्फेयर, ऐसा टाइप का हेमिस्फेयर है, करेक्ट? ठीक है, तो अब ये हेमिस्फेयर यहाँ पे साइड लेंथ विच इज 7 सेंटीमीटर, हेमिस्फेयर का जो डायमीटर है वो 7 से कम है, तो मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकता है? व्हेन इट इज एग्जैक्टली टचिंग ऑल द 4 साइड्स, मतलब डायमीटर क्या हो जाएगा उस पॉइंट पे? 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। ऐसा हो जाएगा कि ऐसे डायमीटर सर्कल है ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, लाइक दिस। दिस इज द हेमिस्फीयर। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सर तो मैं बताऊं? यहाँ पे डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर। यस, हाँ नील बता। सर हम लोग इसका टीएसए ऑफ सॉलिड कर लेंगे, तो टीएसए ऑफ क्यूब एंड सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर करेंगे प्लस बस, पाई आर स्क्वायर। अच्छा बस यही है पक्का? कुछ यस सर। अपन को सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? नहीं, सर प्लस नहीं होगा सर, माइनस पाई आर स्क्वायर होगा वापस बोल, क्या बोल रहा है? पूरा पूरा बोल। सर। टीएसए ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूब प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर माइनस पाई आर स्क्वायर। माइनस क्यों कर रहा है पाई आर स्क्वायर? सो माइनस क्यों कर रहा है?
नहीं है आंसर? नो सर। फिर कैसा आया तेरे पास ये रिजल्ट? सिंपल सी बात है यार, टीएसए, जब अपन टीएसए ऑफ क्यूब निकाल रहे हैं तो मतलब टोटल सरफेस एरिया सारे साइड्स का एरिया अपने पास आ रहा है, बट यहाँ पे हेमिस्फीयर इस साइड के ऊपर है, इट इज ऑन द टॉप साइड के ऊपर सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर, तो जो हेमिस्फीयर का जो बेस है वो तो कवर्ड है, करेक्ट? उस वो तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसके ऊपर, तो जब मैं क्यूबॉइड का सॉरी क्यूब का टीएसए निकालूंगा तो उसमें से मुझे ये वाला एरिया बेस ऑफ द हेमिस्फीयर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कवर्ड है हेमिस्फीयर से। यस और नो? यस सर। नील? हाँ, क्योंकि हेमिस्फीयर से कवर्ड है ये वाला एरिया विच इज इक्वल टू बेस ऑफ द हेमिस्फीयर, तो वो पाई आर स्क्वायर अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे टीएसए में से, इसलिए अपन पाई आर स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो कर्व टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड ऑफ दिस सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सॉरी क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर माइनस पाई आर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। क्या ये सबको क्लियर है? टोटल सरफेस एरिया मतलब मैंने क्यूब का सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया लिया है, उसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर ऐड करेंगे, बट ये वाला जो पार्ट है हेमिस्फीयर जिस पार्ट के ऊपर रखा हुआ है वो वाला अपना कवर हो चुका है, तो उसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट द टोटल सरफेस एरिया। क्या ये क्लियर है? यस सर। हाँ, तो आगे करते हैं प्रोसीड। सो दिस इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इनटू ए स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 7 हियर, तो 6 इनटू 7 स्क्वायर व्हिच इज 49 माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। आर इज अगेन, आर क्या है यहाँ पे हेमिस्फीयर का? हेमिस्फीयर का रेडियस क्या है? 3.5 7/2। सो अभी मैं 7/2 ले रहा हूं, तो 10 इज इक्वल उसका स्क्वायर होगा तो 49/4 माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर विल अगेन बी 49/4, तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर तो पाई आर स्क्वायर हो गया, करेक्ट? 49 सब में से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे मैं इस अच्छा ये प्लस है इधर सॉरी माइनस करेंगे तो इसमें से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैंसिल कर रहा हूं यहां से ये 2 हट जाएगा। नाउ 49 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 6 प्लस पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 4 तो 22 अपॉन 7 ले लेते हैं पाई को, 22 अपॉन 7 इंटू 4 विल बी 28, दिस इज इक्वल टू 49 इंटू 28 एलसीएम लिया, 28 into 6 कितना हो जाएगा? 120 plus 48, 168 plus 22. 168 plus 22 is equal to 190. यहां से ये इसके साथ कैंसिल होगा, this will be 7, this will be 4. ठीक है? ये 190 आएगा, 194 के साथ कैंसिल होगा, this will be equal to 190 है, तो 95. अपॉन 2, सो 95 इंटू 7, 95 इंटू 7, 95 इंटू 7 विल बी 5, यहाँ पे 3 ऊपर, 7 9 जा 63 प्लस 3, 66, 665 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द एरिया। क्या ये सही है? सही आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, आ गया समझ में? ठीक है। यस सर। इसलिए मैंने ये होमवर्क इसलिए करने को दिया है, बिकॉज़ इसमें थ्योरी पार्ट कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट कॉमन सेंस,
कॉमन सेंस खुद अप्लाई करोगे पहले तब ज्यादा मजा आएगा कि गलतियां हो जाती हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व देम देन। चलो आगे बताओ। यस मूव फॉरवर्ड। सर नाइन्थ। सीधा नाइन्थ पे, उससे पहले नहीं है कोई भी? नहीं सर। अच्छा चलो नाइन्थ क्वेश्चन। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, as shown in this. If the height of the cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. अब यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि अपन जो स्कूप निकाल रहे हैं, which is in the shape of a hemisphere, उसका भी कर्व सरफेस एरिया ऐड होगा। So, ये मैंने ऊपर से स्कूप निकाला, नीचे से स्कूप निकाला ऑफ दिस सिलेंडर। तो अब अपने पास कौन सा शेप बचेगा? दिस आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इट। लेट्स सी अगर होता है क्या हाईलाइट। ये वाला शेप बचेगा बस। क्या ये समझ में आ रहा है, दिख रहा है क्या? यस सर। हाँ तो कर्व सरफेस एरिया में अब ये वाला, सॉरी टोटल सरफेस एरिया में ये वाला जो स्कूप मैंने निकाला है हेमिस्फीयर शेप का, उसका भी सरफेस एरिया ऐड होगा। नीचे वाले के लिए भी अपन दोनों के लिए ऐड करेंगे सेम चीज, ठीक है? तो क्या प्रॉब्लम आ रही है बता, इसका कैसे निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया? हाइट इज गिवन टू बी 10 cm and radius of the base, मतलब top and base both is equal to 3.5 centimeters. तो क्या problem आ रही है? आदि सर हाँ कॉमन सेंस का डायरेक्शन दे रहे, देखो what does common sense say कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? well, total surface area of cylinder minus total surface area of hemisphere into two. Minus करेंगे क्या? Subtract थोड़ी हो रहा है, surface area बढ़ नहीं जाएगा क्या? अरे total surface area of the cylinder अगर अपन ने लिया और उसमें से scoop निकाला, तो ये वाला जो surface बन रहा है, create हो रहा है, वो भी तो अपन add करेंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या? नहीं sir. कैसे समझाऊं? ऐसे समझ, एक अपने पास जग है, ठीक है? जग इज काइंड ऑफ सिलिंड्रिकल शेप। जग के ऊपर मैंने कटोरी रख दी, ठीक है? तो अब सरफेस एरिया कौन सा हो गया? कटोरी के अंदर वाला जो पार्ट है वो भी तो सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा, और जग का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बाहर का वो भी ऐड होगा। यस और नो? यस सर। तो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा ये बता, ये क्लियर हो रहा है क्या? Add. Add होगा ना? हाँ तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर नहीं लेंगे अपन, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया में टॉप का भी एरिया आ जाता है और बॉटम का भी एरिया आ जाता है, जो कि अपन हटा रहे हैं क्योंकि वो स्कूप निकाल दिया है अपन ने। सो इट इज नॉट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, टॉप एंड द बॉटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेंडर नाउ। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ शेप में आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ओनली, ओनली दिस कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, जो बाहर का कर्व्ड पार्ट है, टॉप एंड बॉटम नहीं इंक्लूड करेंगे, प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फीयर ट्वाइस, इसलिए क्योंकि ऊपर भी है और नीचे भी है।
तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा. क्लियर. इसकी वैल्यू निकाल देते हैं. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच प्लस ट्वाइस ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे रेडियस दोनों सेम है इसलिए मैंने आर लिया है, वरना मुझे आर वन आर टू लेना पड़ता, इसका ध्यान रखना है. दोनों का रेडियस सेम है. सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी 3.5 है और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो भी 3.5 ही है. नाउ 2 पाई आर एच 2 इंटू पाई. अच्छा यहां से मैं पहले कॉमन ले सकता हूँ. 2 पाई आर दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लिया. 2 पाई इंटू आर विच इज इक्वल टू 7/2. 3.5 को मैंने 7/2 लिख दिया, सो दैट कैंसिल हो जाएगा. अंदर ब्रैकेट में बचेगा एच विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू आर 2 इंटू 7/2. नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ये 2 इससे कैंसिल हो गया. यहाँ पे 22/7 लिखूंगा पाई को. 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 22 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 11 आ जाएगा बाहर. सो 22 इंटू 17 सिर्फ ये बचेगा. दिस इज इक्वल टू 22 इंटू 17 करो, 17 इंटू 2 17 इंटू 20 इज इक्वल टू 340 प्लस 34 विच इज इक्वल टू 340 प्लस 34 इज इक्वल टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस शुड बी द टोटल सरफेस एरिया. क्या ये समझ में आया? यस सर. एकदम क्लियर है 100%? यस सर. हाँ चलो ठीक है, आगे करते हैं फिर प्रोसीड. ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सॉलिड के सरफेस एरिया में इंक्लूड होगा. सॉरी फोन का क्या कर सर. अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि हमको सेम डायग्राम है लेकिन हमको वॉल्यूम निकालनी है, हाँ तो माइनस होता या तब भी प्लस होता? नहीं, हाँ वॉल्यूम अगर अपन लेते तब तो माइनस हो जाता. वॉल्यूम के केस में ये वाला पार्ट होगा सिर्फ, पहले तो सिलेंडर था पूरा, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम में से अपन ये वाला पार्ट हटा रहे हैं और ये वाला पार्ट हटा रहे हैं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा. सो दैट मींस कि सिलेंडर के वॉल्यूम में से वी विल सब्ट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ दीज टू हेमिस्फीयर्स वॉल्यूम के केस में. ठीक है, जैसे अपन ग्लासेस कभी पीते हैं तो वो भी ऐसे आते हैं कभी कभार, ऐसे शेप के होते हैं, फ्रस्टम ऑफ अ कोन के शेप में. बट नीचे वाला पार्ट क्या होता है, नीचे वाले पार्ट में ऐसा शेप बना हुआ होता है विच मेक्स इट लुक कि पानी भरा हुआ है, पर यहाँ पे ये वाला जगह अपनी कवर्ड होती है, दिस इज ऑल ग्लास, तो सिर्फ ये वाला वॉल्यूम बचता है टोटल. सो एक्चुअली इट लुक्स मोर बट वॉल्यूम उसका कम होता है. We will discuss these type of questions. आएंगे ये भी. चलो आगे बताओ. सर मेरे को आगे एक भी डाउट नहीं है. सेकंड एक्सरसाइज में डाउट नहीं है, कंप्लीट कर ली पूरी? हाँ देख ये वाला है ना एग्जाम्पल 6, ले लेता हूँ ये वाला एग्जाम्पल. पेज नंबर 246 पे है. एग्जाम्पल 6. अ जूस सेलर वॉज सर्विंग हिज कस्टमर्स using glasses shown in figure this. The inner diameter of the cylindrical glass was 5 cm, but the bottom of the glass had a hemispherical raised portion which reduced the capacity of the glass. ऐसे टाइप के ग्लासेस आते हैं. If the height of a glass was 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. Apparent capacity and the actual capacity. So apparent capacity क्या हो जाएगी? The volume of the cylinder, मतलब volume of the glass. ये है example 6. So actually मैं the glass is a cylindrical shape ऑब्जेक्ट, तो बाहर से तो अपन को सिर्फ ऐसे सिलेंडर दिखेगा, ये नॉर्मल सिलेंडर दिखेगा,
ठीक है, सो दैट विल बी द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्लास. बट एक्चुअली में क्या हो रहा है, अंदर ऐसे ग्लास का हेमिस्फेरिकल चीज एडेड किया हुआ है विच इज रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो अपेरेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विच इज इक्वल टू 2 पाई आर एच. हाइट कितना गिवन है, हाइट इज गिवन टू बी 10 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर्स. सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू पाई into R into H. So this is equal to 22 into 50 कितना हो गया, 44 into 50 200 220. Yes. Upon 7. ठीक है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. क्या ये सही है, 220 44 into 5 सर 2200 होगा. हाँ 2220. Yes. Okay. This is the volume centimeter cube of the glass which is apparent to us. But actually में volume कम होगा क्योंकि यहाँ पे एक hemispherical added है. Padding you can say. So actual volume would be this volume. Abhi main aise likh deta hu, 2 pi rh which is the volume of the cylinder minus the volume of this hemisphere which is equal to 2 pi volume hai na, 2 by 3 pi r square pi r cube. So this is equal to, इसकी वैल्यू तो अपन ने निकाली रखी है, which is 2200 upon 7 minus 2 by 3 pi r cube. R will be equal to 5, so 125. इसकी वैल्यू आ जाएगी 2200 upon 7 minus 44 into 125. काफी बड़ी वैल्यूज हो गई हैं. मे बी मुझे 3.14 यूज करना चाहिए था. 5500. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 5500 अपॉन 21. एलसीएम ले लेते हैं, 2200 into 3 will be 6600 minus 5500. This is equal to kitna hua ye, 1100 upon 21. Ab iski value jo aayegi, that will be the volume. 52.38. Kitni hai? 52.38. 52.38. ओके, और यहां पे इसकी कितनी आ रही है, 314.28. ओके, ये क्या हो रहा है सर, 314 है. 14 इतना ज्यादा डिफरेंस है क्या? ओए तू क्या कर रहा है, ये तूने किसकी वैल्यू बताई है मुझे, 52.38. क्या हो रहा है ये सर, आपकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मेरा आंसर यही आ रहा है इस पे तो. अच्छा देखने दे मुझे एक बार. ओ यार,
सॉरी यहाँ पे मेरे से गलती हुई है. दिस विल बी पाई आर स्क्वायर एच. मैंने सी ए से लिख दिया यहाँ पे. दिस इज ऑल रॉन्ग. वापस करते हैं. अपरेंट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सो दिस इज इक्वल टू 22.7 इंटू 25 इंटू 10. ये वाली वैल्यू आएगी. 25 इंटू 22 कितना हुआ ये? 540. नहीं सर, टोटल है 785.71. ये वैल्यू आ रही क्या? हाँ सर. क्या हो रहा है ये? यहाँ पे तो कुछ और ही आ रही है वैल्यू. अरे डायमीटर गिवन है. ओह सर, आर 2.5 है. हाँ R is 2.5, diameter is 5. So this is equal to 5/2 ka square into 10. So 785.71 divided by 4 ho jayega. Iski value bata. So 196.42. 196.42 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो apparent volume आया. Then actual volume will be equal to pi r square h minus volume of the hemisphere. This is 196.42 minus 2/3 into pi into r cube. R cube will be 125/8. So ye isse cancel ho gaya. 196.42 minus 11 into 125 upon 42. 125 into 11 karte hain. 1375 अपॉन 42 होगा 32.73. कितना आ रहा है? 32.73. ओके, सो दिस इज इक्वल टू, सो ये वाला वॉल्यूम अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसमें से. सो दिस इज इक्वल टू 12 - 3 इज 9, 163. क्या हुआ ये? 163.68. हाँ. कैसे आएगा भाई? 12 में से 3 सबट्रैक्ट करूंगा मैं तो 9 ही तो आएगा. बुक में तो 163.54 दे रखा है. हाँ तो वहां पे 3.14 यूज किया, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम चेंज आ रही हो, वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी वैल्यू, बिकॉज 3.14 यूज किया है अपन ने वहां पे. ठीक है, इतने से उससे मैटर नहीं करता है. 3.14 और 22/7 से थोड़ा सा फर्क आ सकता है.
सही है. सो दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम 3.14 22/7 से छोटा है या बड़ा है बता सकता है कोई? कौन सी वाली छोटी है इनमें से? निकाल के बताओ. 22 अपॉन 7 कितना आ रहा है? 3.14 तो आ ही रहा होगा. देन 2 आएगा, देन 2 60 3.1428, then 40 आ जाएगा, so 5, then 50, will be 7. 3.142857, ये इसकी value है 22/7. Of course यहाँ पे bar लग जाएगा पूरे पे वापस. Sir आगे 1-4 भी है. कहाँ पे? 7 के बाद में. अरे तो वही बार ही तो आएगा वापस, रिपीट हो गया ना. अरे यार ये पूरा मैंने किया आगे. हाँ सर रिपीट हो जाएगा. हाँ तो बार लगेगा उस पे. सो दिस इज इक्वल टू 3.142857 बार, और यहाँ पे दिस इज 3.14. तो कौन सी वैल्यू हुई छोटी? दिस वन. 3.14 इज स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि 3.14 मीन्स 3.140000. So, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, अदरवाइज कैलकुलेशन सही है. ठीक है चलो आगे प्रोसीड करते हैं. वॉल्यूम के मैं एग्जांपल्स और ले रहा हूँ थोड़े से. जैसे ये वाला लेता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 13.2. अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम. व्हेन लिड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये ध्यान आना चाहिए. कि जैसे मैंने lead के shots इस cone में डाले which is filled with water, तो जितना volume उस lead shots का होगा उतना ही volume वो displace करेगा. Yes? किसने दिया था ये principle? और किसने ऐसा बताया था कि ऐसा होता है? काफी फेमस स्टोरी भी है इसके ऊपर. क्या याद आ रहा है किसी को, या पढ़ा हुआ हो किसी ने आर्किमिडीज के बारे में? यस एनीवन, पता है क्या? सिर्फ लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था. क्या? लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा था. तो लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ये पानी से अगर भरा हुआ है उसमें मैंने कोई चीज डाली तो उसके वॉल्यूम के इक्वल इट विल डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ऑफ वाटर. ठीक है, जैसे आर्किमिडीज की कोई स्टोरी है. अब मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ कि क्या है स्टोरी, बट द स्टोरी गोज की द किंग आस्क्स आर्किमिडीज दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गोल्ड used to make my crown. ठीक है, so Archimedes has been posed this problem कि volume या sorry amount of gold बताओ जिससे crown बना हुआ है. So क्या किया? There was no means of finding it out. So he was playing around in his bathtub when he noticed कि मैंने कोई चीज अगर पानी में डाली तो पानी tub से बाहर आ रहा है. ठीक है, meaning and then he did some calculations or something and he got the result that the volume of the solid immersed
displaces an equal amount of volume of the liquid. ठीक है, so यहां से he was able to find the volume of the solid of the gold with which the crown was made. तो वहां से he got the solution. तो ये वाली चीज ध्यान आनी चाहिए कि अगर स्फीयर को अपन पानी में डालेंगे, स्फीयर शॉट्स को, विच आर स्मॉल बीड्स ऑफ स्फीयर, इट विल डिस्प्लेस एन इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम फ्रॉम देयर कोन, फ्रॉम दिस शेप, फ्रॉम दिस बकेट और व्हाट एवर इट इज. अब क्या करना है, क्वेश्चन इज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन जिसमें पानी एकदम ब्रिम तक भरा हुआ है, विच इज ओपन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस ऑफ द टॉप इज 5 सेंटीमीटर्स. सो टॉप का रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of this, 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 1/4 of the water flows out. So 1/4 of the water is getting displaced. मतलब total volume of water जितनी यहाँ पे है अभी, उसका 1/4 बाहर आ गया. तो अब कितना बचेगा पानी, और 1/4 अगर अपन निकाल रहे हैं तो वो कितना volume होगा? For that we need to find out the volume of the water in the cone first. So volume of cone is equal to 1/3 pi r square h. तो यहां से वॉल्यूम अपना आ जाएगा 1/3 into pi की वैल्यू. अब इस बार कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 3.14 यूज कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू r की वैल्यू इज 5 एंड h इज इक्वल टू 8. So 25 into 8 is equal to 200. 200 into 3.14 is equal to 6 to 8 upon 3. This is equal to 209.3 centimeter cube. This is the volume of the liquid in the cone right now. ठीक है, at first. Now इसमें मैंने छोटे छोटे beads डाल दिए, यहाँ पे ऐसे beads इकट्ठा हो जाएंगे, shots या beads जो भी हैं. Like this. They will get collected at the bottom because they are heavy. So पानी बाहर आ जाएगा. It is given कि जब अपन ने इतने beads डाले तो 1/4 ऑफ द वॉटर कम्स आउट. तो 1/4 ऑफ दिस इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ दीज स्फीयर्स. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स विल बी इक्वल टू दिस वॉल्यूम विच इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड, विच इज इक्वल टू 209.3 upon 4. क्या ये सही है, समझ में आ रहा है? अरे यस और नो? यस सर. हाँ तो ऐसे बोला तो करो कुछ. 209.3 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज द वॉल्यूम गेटिंग डिस्प्लेस्ड एंड आल्सो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स. तो दे आ जाएगा 52.3 एंड 2. यहां तक काफी है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक इट्स इनफ. दिस इज इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड. So 52.32 is the total volume of all the spherical shots that we have put in. Now, volume of one shot into the total number of spheres should be equal to this volume. So volume of one shot into n. N is the total number of shots. So volume of one shot kitna hai? The radius of the sphere is 0.5 centimeters. So volume ho jayega 4/3. Pi r cube, 4/3 pi r cube. R की वैल्यू इज 0.5, तो मैं उसको 1/2 लिख रहा हूं. पाई की मैंने वहां पे 3.14 ली थी वैल्यू, सो आई शुड यूज 3.14.
into n should be equal to 52.32. यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे n की. n की वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, उसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी विल गेट 52.32 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 3.14. देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा. 3.14 इंटू क्या कर सकते हैं, 3.14 इंटू 16 आएगा क्या कुछ? 6 इंटू 4 नहीं. ओके कुछ लग नहीं रहा है, इसको हटाते हैं. डेसिमल को हटा दिया दोनों साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से, 2 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 2, 6 एंड 1, 6 एंड दिस वन इज 1, 5, 7. अब किसी चीज से कैंसिल हो रहा है क्या? 5, 1, 7 3 से नहीं जाएगा. Nope. आगे मुझे कैंसिल होता है लग नहीं रहा है. सो इसको कैलकुलेट करेंगे. 2616 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 6 यहाँ पे 3 ऊपर 9 इंटू 6 इंटू 6 36 15,696 करेक्ट अपॉन 157. इसकी वैल्यू निकालनी है अब 99.97. This is equal to 99.97. ठीक है क्या? सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 99.97 सेंटीमीटर क्यूब तो नहीं आएगा. दिस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बीड्स, सो अप्रोक्सीमेटली 100. अब यहाँ पे क्या हो रहा है विच इज मेकिंग इट कम इन द डेसिमल एज अ डेसिमल नंबर, क्या हो सकता है? ओके 100 बीट्स ही होंगे. कैलकुलेशंस तो यही आ रही हैं. आई डोंट नॉट नो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्यों हो रहा है, बिकॉज़ हो सकता है अपने 3.14 यूज किया हो, वेयर एज वी शुड हैव यूज 22/7. दैट्स व्हाई थोड़ा सा डिनोमिनेटर मतलब डेसिमल्स में प्रॉब्लम हो सकती है, चेंज हो सकते हैं, क्योंकि 99.97 आ रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 बीट्स और 100 शॉट्स. ठीक है चलो आगे कंटिन्यू करते हैं. अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक. शुड आई टेक दिस, चेक whether दिस इज करेक्ट. ओके आई थिंक कि तुम लोगों को वॉल्यूम का आइडिया लग जाना चाहिए दो एग्जांपल से. सो ट्राई दिस एक्सरसाइज अगेन, मतलब जिसने नहीं करी है. सो मैं आगे के क्वेश्चंस ले रहा हूं. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, दीस टाइप ऑफ एग्जांपल्स. सो एग्जांपल 10th फ्रॉम द बुक. A copper rod of diameter. A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of the wire. ठीक है, तो क्या हो रहा है? Copper rod of 1
सेंटीमीटर डायमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर, एक मोटा वायर को अपन पतले वायर में स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या चीज कांस्टेंट होनी चाहिए, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी दोनों चीजों में, एक मोटा वायर एक पतला वायर दोनों सेम ही अमाउंट ऑफ मटेरियल से बन रहा है, तो क्या चीज कांस्टेंट है? यस एनीबॉडी? नहीं, वॉल्यूम विल बी द कांस्टेंट क्वांटिटी हियर, चाहे मैं एक बड़ी वायर से पतला वायर बनाऊं या पतले वायर से बड़ा वायर बनाऊं, वॉल्यूम विल बी द कांस्टेंट चीज, वॉल्यूम विल बी द कांस्टेंट थिंग हियर, यस और नो? अरे वॉल्यूम थोड़ी कम हो जाएगा अगर अपन एक एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बना रहे हैं तो. No, sir. Material used will be the same. Yes. Yes, sir. हाँ, तो volume अब अपना constant होगा, चाहे एक बड़ा बड़ा wire हो, मोटा wire हो या पतला wire हो. So original was 1 centimeter diameter and length 8 centimeter. So original volume. Or VO ले रहा हूँ, V0 भी ले सकते हैं. This means the volume initially was equal to. Of course copper rod है तो cylindrical shape में होता है. Then volume will be equal to pi r square h pi into r. R will be equal to 1 upon 2 centimeters. Square into h is equal to 8 centimeters. This is equal to ये 4, 1 upon 4 आ जाएगा, 4 इससे cancel हो जाएगा, तो 2 pi. अभी pi के form में ही रख रहा हूँ. This is equal to 2 pi centimeter cube. Now this wire is drawn into a wire of length 18 meters of uniform thickness. Find the thickness of the wire. So now, जो V initial है वो ही V afterwards भी होगा, V after making the new wire. So this should be equal to what? आगे लिख देता हूँ. 2 pi should be equal to the new wire का volume. New wire का volume कितना हो गया? Pi into radius r whole square into height or length, which is equal to 18. meters. Now it is equal to 18 meters, so 18 meters will be equal to 1800 centimeters. So initial rod ka volume and volume of the new wire is also same, it is constant. So yahan se apne paas r ke upar condition aa jayegi, what is its value. So 2 pi into pi, 2 pi is equal to pi into r square into 1800. Pi and pi is cancelled. R square is equal to 2 upon 1800. Of course, centimeters mein hai. Yahan se ye cancel ho gaya. This is 900. This implies square root le lenge. So r is equal to, now if I'm taking square root, actually mein toh ye honna chahiye, plus minus root of 1 upon 900. बट बिकॉज यहाँ पे रेडियस इज सम लेंथ क्वांटिटी, तो अपन माइनस वाला हटा देंगे, बिकॉज रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस हटाएंगे. ये ध्यान रखना है कि स्क्वायर रूट अगर मैं ले रहा हूं तो प्लस माइनस साइन आएगा. दिस इज इक्वल टू प्लस, अब यहाँ पे प्लस की जरूरत नहीं है. दिस इज इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर्स. सो रेडियस इज इक्वल टू 1/30 सेंटीमीटर्स. डेसिमल्स में भी लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी. क्या ये आया समझ में? यस. आया क्या समझ में? यस सर. अरे यार मुश्किल है तुमसे कुछ बुलवाना. सो नेक्स्ट एग्जांपल, इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ. एग्जाम्पल 11th, a hemispherical tank full of water
is emptied by a pipe at the rate of 3 4/7 liters per second. How much time will it take to empty half the tank if it is 3 meters in diameter? Hemispherical tank है, pipe से अपन इतना water निकाल रहे हैं per second. So how much time will it take? Now this is the question. So पहले अपन volume of the hemispherical tank निकालेंगे. Then we will see कि how much volume is to be removed to make the tank half. This is the hemispherical tank जिसका diameter given है 3 meters. Diameter is 3 meters. So radius will be 1.5 meters. Volume of this hemispherical tank is equal to 2/3 pi r³. This is equal to 2/3. Pi ki value kya dalu? 3.14 le lete hain. Into r³. R is equal to 1.5. Uska cube. So 2/3 into 3.14 into 1.5 ka cube. Kitna ho jayega? 15 into 15 is 225. 625 hota hai kya? Five into five, two per. So this will be 2 1 per. This is equal to 3.375. अच्छा ये cancel हो सकता था इससे. ठीक है इसको इससे कैंसिल कर देते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 1.125. करेक्ट. सो कितना वैल्यू आ रहा है ये 3.14 इंटू 1.125. 0 यहाँ पे 2 पर, this will be equal to 0 यहाँ पे 1 पर 5 4 5 2 1 1 5 1 पर 7 3 3 2.355. ना वैल्यू इसका वैल्यू बता रहा है या पूरा वैल्यू बता रहा है उधर का? पूरा. अच्छा एक मिनट, ये कितना कहाँ पे था मैं? 5 + 8 = 3. This is equal to 3.5325 into 2. कितना बता रहा है? हाँ प्रखर, प्रकार 2.355. ठीक है. टू पॉइंट थ्री आ रहा है क्या? हाँ एक बार चेक कर, सही नहीं है. 2.3 नहीं आना चाहिए. 3.14 इंटू 1 point something है, तो ये 3 से बड़ी वैल्यू आएगी. इंटू 2 करेंगे तो 2 से तो बड़ी आनी चाहिए डेफिनेटली. दिस शुड बी इक्वल टू 3.14 इंटू 1.125 जो है वो 3.5325 आ रहा है मेरा.
हाँ सही तो है, यही आ रहा है मेरा भी। और फिर इसको 2 अपॉन 3 से करेंगे तो आंसर यही आएगा। 2 अपॉन 3 से नहीं, 2 3 से कैंसिल हो चुका है पहले, 3 से ही कैंसिल हो चुका है, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको। हाँ तो फिर 7.065 आएगा। हाँ ठीक है, 7.065, दिस इज करेक्ट, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। अब ये वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर आया है, now the water from this hemisphere is being taken out at a rate of, this is equal to 25/7 liters per second, at a rate of 25/7 liters per second, इस रेट से पानी निकल रहा है, ठीक है। We want to find how much time will it take to remove half of the water in the tank. तो ये अभी volume of the tank आया है, तो VH by 2 volume which has to be removed will be equal to 3.5325 centimeter cube. इतना वॉल्यूम अपन को रिमूव करना है एट दिस रेट, एट दिस रेट 25/7 लीटर्स पर सेकंड। तो कितना टाइम लगेगा, रेट इनटू टाइम, रेट मतलब ये स्पीड हो गया, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू द वॉल्यूम दैट वी आर, इज इक्वल टू द वॉल्यूम। सो 25/7 इनटू टाइम व्हिच इज इक्वल टू टी is equal to 3.5325. इतना liters per second में कम हो रहा है, तो कितने time में इतना पानी कम होगा, this is the equation, क्या ये समझ में आ रहा है? This is the volume that is being reduced or being taken out every second, ठीक है। So कितने time में we will get this volume, कितना volume निकालना है अपन को, that is 3.5325 centimeter cube, इतना volume मुझे निकालना है, इतना volume अपना निकल रहा है। So volume into volume per second into time will give me the total volume, अरे yes or no? Yes sir. समझ में आया क्या? Yes sir. हाँ, so time यहाँ से आ जाएगा, time is equal to 3.5325 upon 25 into 7. ये वाली value will give us the time in seconds. ये cancel होगी 5 से, वापस जाएगा 5 से 0.1413, 0.1413 up into 7 will be equal to 1, 2 per will be 6, 1 per 7 into 4 is 28, 29, 2 per 7 and 9 आ जाएगा 0.0, तो 0.9961 seconds. What? ये क्या हुआ? अब यहाँ पे 22/7 यूज करना था यार, ओह गलत डायमेंशन, ये ही प्रॉब्लम आते हैं यूनिट में। यहाँ पे ये सेंटीमीटर क्यूब नहीं है, दिस इज मीटर क्यूब, मीटर क्यूब है वॉल्यूम, वही मुझे लग रहा था इतना कम कैसे है।
So 7.065 meter cube because the diameter is in meters. तो यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम आएगा 3.5325 × 1000 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा. सो 1 meter इज इक्वल टू 100. तो मीटर क्यूब विल बी इक्वल टू नॉट 1000 100 00000. सो दिस इज इक्वल टू 1,000,000. मीटर क्यूब को अपन सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. 25/7 लीटर्स. लीटर्स मतलब लीटर्स कितना होता है, किसी को पता है क्या? कोई बताएगा क्या लीटर्स कितना होता है? पता नहीं क्या पढ़ रहे हो तुम लोग यूनिट में यार, क्या कर रहे हो. लीटर्स इज 1000 cm³. तो यहाँ पे भी अपन 1000 cm³ आएगा, वो इससे डिवाइड हो जाएगा 1000. तो ये 000 इससे कैंसिल हो जाएगा. सो वी मल्टीप्लाई बाय 1000 हियर. तो यहाँ पे 1000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 1000 से मल्टीप्लाई होगा. सो दिस इज इक्वल टू 996.1 seconds. एक बार वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या हो रहा है. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इज इन मीटर क्यूब, जो अपन ने निकाल लिया है यहाँ पे यूजिंग द फॉर्मूला. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर इन मीटर क्यूब. वेयर एज वाटर इज बीइंग टेकन आउट एट द रेट 25/7 लीटर्स पर सेकेंड. लीटर का मीनिंग होता है 1000 cm³. 1000 cm³. 1 liter इज इक्वल टू 1000 cm³. सो 25/7 दिस इज द रेट. यहाँ पे इन 2000 करेंगे, इन 2000 cm³ इन टू टाइम इज इक्वल टू 3.5325 मीटर क्यूब था. सो आई विल राइट 1,000,000 cm³. यहां से 1000 मैंने उधर डिवाइड कर दिया, तो ये 1000 इधर से कैंसिल हो जाएगा. वी विल गेट 1000 हियर ओनली. सो नाउ टाइम से मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज द टाइम इन सेकेंड्स. क्या ही समझ में आया? बोलोगे कुछ वापस एक्सप्लेन करना है क्या? Yes, sir. मतलब वापस एक्सप्लेन करना है या समझ में आ गया? समझ में आ गया. श्योर? यस सर. ठीक है. सो ये ध्यान रखना है, यूनिट्स भी इम्पॉर्टेंट है, यूनिट्स को मिस मत करना. मेरी मिस्टेक से समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो यूनिट का ध्यान रखना है. पाई की वैल्यू भी 22/7 ही यूज करनी है जहां पे गिवन है. सो एक्सरसाइज 13.3 ट्राई करनी है. ठीक है. ओके सर. यस, नेक्स्ट टाइम अपन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड फर्स्ट टर्म ऑफ कोन डिस्कस करेंगे. सो 13.3 तक कंप्लीट करके रखो एकदम पूरा. ओके, कोई छूटना नहीं चाहिए क्वेश्चन. 13.3 मतलब ज्यादा से ज्यादा कुछ 25 क्वेश्चन है, आराम से हो सकते हैं. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सर. ओके सर. थैंक यू सर. बाय बाय. थैंक यू.